13 घंटे की पढ़ाई उसने बोला, जो मुझे भी थोड़ी सी अजीब लगी कि काफी ज्यादा है, बट इतने बड़े कॉम्पिटिशन को फॉलो कर रहे हो जिसका कट ऑफ हर साल बढ़ता जा रहा है, हर साल बढ़ता जा रहा है। नीट एप्लीकेंट 16 लाख 17 लाख के आसपास जाएंगे ही जाएंगे, में यार सेलेक्ट वही होंगे लास्ट के 30,000। तो सिलेक्शन जैसे आज एक बच्चे से मेरी बात थी, उसने बोला वो 13-13 घंटे सच में पढ़ रहा है, यकीन बैच का ही है, 13-13 घंटे सच में पढ़ रहा है और टेस्ट के अंदर भी कंसिस्टेंटली अच्छा स्कोर कर रहा है, 620 नंबर स्कोर करता है, कभी 640 स्कोर कर दे रहा है, 530 तक भी गया है, उसका लोएस्ट स्कोर 530 रहा है। तो बोला कि सर अदरवाइज मेरे हमेशा 600 प्लस मार्क्स हैं। मैंने उससे पूछा कि क्या क्या कर रहे हो जो दूसरे बच्चों को मैं सजेस्ट करूं, हमेशा 600 प्लस आ रहे हैं उसके एक टेस्ट में से 530 से, बीच में 560 भी हैं, सॉरी 500 में इसके दो स्कोर है, 530-560 और 640 तक हो गया है। तो उसने मेरे को बोला कि सर मैं 13 घंटे पढ़ाई करता हूँ पहली चीज, और मेरा कोई डाउट नहीं बचता है। मैंने पूछा कैसे डाउट नहीं बचता है, उसने बोला लेक्चर सारे फॉलो करता हूँ, जो आप लोग बोलते हो डीपीपी लगाता हूँ, डीपीपी के सिलेक्शन कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा था वो, है ना। मैंने कई बार खोद खोद के पूछना चाहा कि तुम एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो अपनी तरफ से, कुछ निकल के आया कि मैं बच्चों को बता सकूं, तो उसने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया। उसने बोला जो आप बोल रहे हो वही कर रहा हूँ, लेक्चर देखता हूँ सर, डीपीपी सॉल्व करता हूँ, डीपीपी में कोई डाउट होता है तो छोड़ता नहीं हूं, मैं जाकर उसका डीपीपी सॉल्यूशन जरूर देखता हूं, डाउट्स को अपने छोड़ता नहीं हूं। तो शायद ये मिस्टेक कई लोग कर रहे हो, डाउट्स को पाइल अप कर रहे हो कि डीपीपी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ तो चलो ये नहीं आएगा, टफ है, तो ये एटीट्यूड नहीं रखना है। 13 घंटे की पढ़ाई उसने बोला, जो मुझे भी थोड़ी सी अजीब लगी कि काफी ज्यादा है, बट आई थिंक दैट इज रिक्वायर्ड, आई थिंक दैट इज रिक्वायर्ड। अगर आप सच में इतने बड़े कॉम्पिटिशन को फॉलो कर रहे हो जिसका कट ऑफ हर साल बढ़ता जा रहा है, हर साल बढ़ता जा रहा है, नीट एप्लीकेंट 16 लाख 17 लाख के आसपास जाएंगे ही जाएंगे इस साल, क्योंकि शायद जेई में 22 लाख के नॉमिनेशन आए, उसमें कुछ ना कुछ हमें लग रहा है टेक एरर है, कुछ ना कुछ तो उसमें मैनिपुलेशन हुआ है, पर 22 लाख एप्लीकेंट्स है, तो जेई में भी आप मान रहे, नीट में ही मान के चलो 16 लाख के आसपास आएगा, और 16 लाख में यार सेलेक्ट वही होंगे लास्ट के 30,000। तो सिलेक्शन रेशियो इतना खराब है इस एग्जाम का, या इतना अच्छा है इस एग्जाम का, जैसे भी बोलो, कि बेस्ट चुनने वाला है। तो एवरेज मेहनत करने वालों के लिए नीट में कोई प्लेस नहीं बेटा, आप सिर्फ तैयारी कर रहे हो अपने दिल को दिलासा देने के लिए, एक मीडियोकर तैयारी से नीट में आप सेलेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि सिलेक्शन का रेशियो बहुत खराब है। मैं ये नहीं कह रहा पेपर बहुत टफ है, पेपर आसान आता है, कट ऑफ ऊपर जाता जा रहा है, सिलेक्शन का रेशियो बहुत खराब है, तो मीडियोकर तैयारी से कुछ नहीं हो सकता है। सर्वेश्वर से मेरी बात हो रही थी, इज ऑल्सो एन एक्सपीरियंस टीचर, 16 साल पढ़ा रखा है उन्होंने, तो उन्होंने एक बड़ी चुभने वाली लाइन बोली, बहुत चुभने वाली लाइन बोली, तैयारी तो बच्चा बड़ा मस्त रहता है, ये वो है, हाँ ये भी कर लेते हैं, ये छोड़ देते हैं, ये कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, मतलब बड़ा मस्ती से जीवन जीता है, और जब रिजल्ट आता है ना तो उसके बाद सारी मस्ती खत्म होती है। मतलब वो ऑफलाइन के टीचर बता रहे थे कि रिजल्ट के बाद फिर अपने पेरेंट्स के साथ आता है, सर मैंने कहाँ गलती, तब उसको एक एक पॉइंट याद आता है कि कहाँ गलती की। तो यार बाद में रिपेंट करने से अच्छा है दोस्त यार अभी पढ़ाई कर, तो अगर अभी तक नहीं कर रहे थे तो बेटा यहां से 13 घंटे पर डे की पढ़ाई स्टार्ट करो, 13 आवर्स पर डे। मुझे पता है ये सब बातें करने से थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है क्लास का, बट मुझे यार ये जो हम पढ़ा रहे हैं ना, इससे ज्यादा सिलेक्शन के इंपॉर्टेंट ये बातें जो तुमको बता रहे, 13 घंटे तुम्हारा टारगेट होना, 13 आवर्स तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। और अगर तुम कह रहे हो कि सर हम यकीन बैच को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो यहाँ के 6 आवर हटा के भी तुम्हारे बचे हुए,